आराम से अपनी आराम से। इसे भी वार करने दे, मार मार अपनी के, मार अपनी के। हट जा सकेरेगा, सकेर दे। कह रहे हो झाड़ू लगा दे, सकेर दे, चकेर। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का लोग जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज थोड़ी सी जो है मैंने आप लोगों के साथ में पीछे क्लिप जो आप लोगों से बात करने से पहले थोड़ी सी जो क्लिप ऐड की है वो मेरे बच्चों के डांस की मस्ती की है और देखिए बताइए कैसी लगी है। तो आज का लोग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं नहा ली हूँ और अभी मैं खा रही हूँ तिल सकरी, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और बताइए आप सब कैसे हो। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं निगेटिव और उनका मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। देखिए हर इंसान की अपनी अपनी राय है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत सारे सवालों के जवाब मांगते हैं, अभी सही समय नहीं है किसी चीज़ का जवाब देने का। और चलिए बस वीडियो स्टार्ट कर लिया। ये वाली चुन्नी उड़ी है मैंने आज, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आप लोगों से बात करने के बाद में यहाँ पर मैंने जो है बारीक वाला बेसन लिया है और उसको छान लिया है। उसको छानने के बाद में कढ़ाई में घी मैंने पहले से ही डाल दिया था, उसको गर्म कर लिया था और उसके बाद जो है अभी ये बेसन जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे इधर साइड क्या दिखा रही हूँ, ट्राईपोड की दिक्कत है बस अभी भी मेरे साथ में। लाऊँगी मैं, जाना नहीं हो रहा, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों को लेकर जाना पड़ता है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ। एक साइड चाय बन रही है तो यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया। अभी मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो चलिए इनको मिला लेते हैं। घी मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा घी इसमें अभी और डाल देंगे हम। गैस को बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया, जीरो पर रखा है बिल्कुल, बहुत मंदा। एक तो ये कढ़ाई बहुत हल्की हो रही है, दूसरी बात ये है इसमें क्या नाम है, बेसन को है ना बहुत हल्की हल्की आँच में ही पकाना होता है क्योंकि तेज़ आँच पर ये लग जाएगा चारों क्लिप जो है, मतलब बेसन कढ़ाई में डालने से पहले वाली है। यहाँ पर मैंने घी चढ़ा दिया था और अभी जो है मैं बेसन को छान लेती हूँ, तो ये क्लिप जो है वो बीच में ऐड हो गई तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं बेसन छान रही थी, वैसे तो बिल्कुल साफ था पर इसमें ये हल्की हल्की सी जो काट हो रही थी और फिर काफ़ी टाइम का रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको छान लेते हैं भाई, कोई पिड़ाई कीड़े वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ़ था। फिर भी मन नहीं माना, मैंने इसको छान लिया और देखिए बेसन जो है वो मेरा हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है। मैंने इसमें और घी का यूज किया है तो अभी इसको हम भून लेते हैं। तो बहुत गैस को बिल्कुल धीमा ही रखा है मैंने और मैं बना रही हूँ आज बेसन के लड्डू। जी हाँ, देखिए काफ़ी हद तक जो है बेसन पक चुका है और इसको ऐसे ही बराबर चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर बस इसको लगने नहीं देना है बिल्कुल भी, लगते जिस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लगते ही महक हो जाती है, बेकार लगती है, फिर खाने का स्वाद ही खराब हो जाता है। तो लड्डू का भी विशेषकर ऐसे ही ध्यान रखना है, बेसन को बिल्कुल भी नहीं लगने देना, चारों साइड से बराबर इसको चलाना है बहुत अच्छे से और गैस को जो है बिल्कुल धीमा ही रखना है। मैंने बताया आप लोगों से कढ़ाई जो हल्की हो रही है, मैंने इसको बिल्कुल भी एक मिनट के लिए नहीं छोड़ा। तो बेसन मेरा बहुत अच्छे से पक चुका था, बूरा मैंने इसमें मिला दिया और लड्डू बनाने जो है स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, आ जाइए खाने आप सब लोग भी बेसन के लड्डू। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। तो बस पूरे लड्डू जो है बन चुके हैं, एक आधा लड्डू रह रहा है, ये रहे लड्डू। जल्दी जल्दी आइए आप सब लोग भी खाने के लिए, तो मुंह मीठा कर लीजिए। आज मन किया कि बेसन के लड्डू बना लेते हैं, कभी कभी मन करता है कुछ अलग सी चीज़ों का। तो घी घर का ही था तो मैंने सोचा कि चलो यूज कर लेते हैं, वेस्ट ही क्या करना है, घर का घी है, लड्डू बनाते हैं। वैसे भी मैं सब्ज़ी वगैरह में कम ही खाती हूँ तो मैंने सोचा इतना सब्ज़ी में कम खाती हूँ, लड्डू बना लेते हैं थोड़े से। तो उसके लड्डू बनाने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ बरामदे में झाड़ू,
तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी देखिए यहाँ पर मैं घर की वहाँ के अंदर की थोड़ी सी वीडियो बना कर लाई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत गंदा हो रहा है, पूरा घर जो है साफ़ करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगेगा। और बाथरूम, किचन, वाश वेसन हाथ धोने का मतलब जो भी बोलते हैं, मेरे को बोला नहीं जाता अच्छे से। और ये पूरा किचन, और ये है रूम, और इधर ये रखे हुए हैं थोड़े से सामान। मैं आप लोगों को, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। ऊपर पंखा लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा घर है और बहुत अच्छा है। और अंदर जो है बेड पड़ा हुआ है इधर, इसके अंदर जो है एक स्टोर रूम है, उसमें मतलब जो इस घर के सदस्य हैं उनका सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है एक बेड भी पड़ा हुआ है, ये रहा एक बेड। और रूम में कुछ इस तरह का है, फर्श हो रखा है। तो ज़्यादा देखिए जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। ये पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर भी फ़ैन लगा हुआ है। तो चलिए बताइएगा ज़रूर वीडियो देखकर आप लोगों को घर कैसा लगा। तो जैसा भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फ़िलहाल तो मैंने यही घर देखा है। और आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो बीच में मैंने घर की थोड़ी सी वीडियो ऐड कर दी थी। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आज कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिनकी तह बनानी है, जिनको उठा कर रखना है। बहुत सारा काम होता है यार पूरे दिन में, मतलब काम से पीछा नहीं छूटता है। और काम के साथ साथ कायरो थक जाती हूँ थका लेता है। अभी जो है मैंने यहाँ कमरे का लॉक कर रखा था, मैं जो है थोड़ा बाहर खड़ी थी, मतलब चाचा जी की साइड उधर, और इधर जो है गेट खुले रहते हैं तो फिर बच्चों से ज़्यादा कुत्ते वगैरह का डर रहता है। अंदर जो है दूध वगैरह रख देती हूँ मैं, बाहर बिल्ली वगैरह नहीं छोड़ती है। और यहाँ पर देखिए मेरे पूत के ये कारनामे हैं, ये कूड़ा नीचे फेंक दिया, और चुन्नी रखी हुई है मेरी, दो तीन सामान इस तरह से फैला रखे हैं। मतलब बेड शीट जो है मुझे डालनी है बेड पर, वो मैंने दूसरी बेड शीट जो थी वो वाली धुल दी है, और उसको उतारना। ये इसका शैम्पू कप, ये सब मेरे बच्चों की कारस्तानी है। तो अभी जो है उसके बाद बेड शीट मैंने अभी नहीं डाली है, तो कायरों को आज मैंने नहलाया था। और अभी तीसरे पैर का समय हो रहा, बिल्कुल नहीं रुकता, इतना परेशान करता है, बार बार रास्ते में जाता है, या बाहर रेत में, मोटर में, आटे में, बैटरे में, ऐसी ऐसी जगह जाता है। और आज जो है थोड़ा निवाया सा दिन हो रहा है, तो अभी दो पूरी बाजू के दो बनियान पहन रहा था, मैंने सोचा कि जैकेट पहना देती हूँ, मोजे पहना देती हूँ। तो मैं इसको जैकेट पहना रही थी, रो रहा था, मतलब इसको बैठाना बिल्कुल महाभारत है, इसको बैठना ही नहीं है, इसको तो बाहर जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत परेशान करने लगा है, ज़्यादा शैतानियाँ बढ़ गई है। तो अब इसको यहाँ चुप करने के लिए इसको जात जात खेल रही थी, इसको चुप कर रही थी। और बस इसको तो ये कपड़े पहनने में भी रोता है, बहुत परेशान करने लगा है। और अवनी पूरी कोशिश करती है कि भैया को हंसाऊं, भैया ना रोए। तो ये जैकेट जो है ये अवनी की थी, और अभी इसको कायरो पहनता है। अवनी बस लगी रहती है इसको मस्ती करने में, इसको हंसाने में। तो देखिए मेरे कायरो की थोड़ी थोड़ी शैतानियाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आगे वीडियो में मैंने कायरो की शैतानियाँ दिखाई है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी लगी, और घर कैसा लगा ये भी बताइए। चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। चलो बेटे चलो चलो चलो। तो अभी देखिए मैंने आज आप लोगों के साथ घर की वीडियो शेयर की है, तो बताइए आप लोगों को घर कैसा लगा है। तो फिलहाल तो मुझे यही घर मिला है, और आगे जो मिलेगा या फिर चेंज करूँगी मैं, जैसे भी होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिलहाल जो भी मिला है वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, और अभी जो है सोचा कि वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटे लुचित जी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आज बनाए हैं बेसन के लड्डू, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है वो लड्डू कैसे बने हैं। और जल्दी जल्दी आ जाइए, मुंह मीठा कर लीजिए। मन कर रहा था कि कुछ बनाऊं, तो मैं सोचा कि चलो बेसन के लड्डू बना लेते हैं। तो
अभी जो है क्या हो रहा है, ट्राईपोड लेने जाने की सोच रही हूँ पर नहीं लाया गया, सर्दी की वजह से कहीं निकलने का मन नहीं करता। और फिर काम, और मैंने आप लोगों से बताया भी था मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे राय दी है कि आप जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, मतलब डिप्रेशन का जो डॉक्टर उसको दिखाओ। तो देखिए हाँ, वैसे तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, पर थोड़ा सा मैंने बोला था आप लोगों से तो जगह बदल कर देखने की कोशिश है मेरी, अगर जगह बदलने के बाद भी प्रॉब्लम रही तो फिर किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। फिलहाल देखते हैं जगह बदल कर, अगर शायद मेरी तबीयत में कुछ सुधार आए तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट। बस एक बात बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं और सही समय नहीं है किसी भी बात का जवाब देने का, सही समय का इंतजार कीजिए, जवाब भी मिलेगा आप लोगों के सवालों का। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।